साम्राज्य में शासन भले ही किसी एक का चलता हो, लेकिन अपना दबदबा बनाना कुछ ऐसे शिकारियों को भी आता है जो जंगल की सियासत को प्रभावित करते हैं। अकेले में इनकी ताकत भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन झुंड में वो कयामत है। एक ऐसी कयामत जो केवल शिकारियों पर भौंकते ही नहीं है, बल्कि बेरहमी से उन्हें काटते भी है। ये जीव शिकार की आड़ में जानवरों को एक ऐसी बेरहम मौत देते हैं जिनसे उनके झुंड के बाकी सदस्य भी कांप उठते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि सवाना के जंगलों में शेर से बगावत करने की ताकत केवल हाइना के झुंड में होती है, लेकिन हाइना और शेर के अलावा भी एक झुंड है जो अपने अस्तित्व को पहचान दिलाने के लिए इन दोनों को मात देने के अवसर का इंतजार करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाइल्ड डॉग्स की। आज की वीडियो में इन्हीं जीवों की कुछ क्रूर चालों और हैरतअंगेज लड़ाइयों को देखने वाले हैं जो सीक्वेंस से भरपूर हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग सब सहारा अफ्रीका की वो प्रजाति है जो भले ही कैनिन फैमिली से संबंध रखती है, लेकिन आम कुत्ते जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। झुंड में रहने वाले ये जीव बचपन से ही एक सामाजिक जीवन जीना पसंद करते हैं। इनकी असल ताकत इनके ग्रुप में ही बसती है। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स हालांकि दिखने में ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन अनोखी बात यह है कि इनमें से किसी भी दो सदस्य का शारीरिक पैटर्न कभी भी एक जैसा नहीं होता, और इसीलिए झुंड में रहते हुए भी इनकी अपनी पहचान होती है। बाकी बात करें इनके झुंड की, तो ये जीव काफी बुद्धिमान और सहयोगी शिकारी होते हैं जो हर चीज को झुंड में रहकर करना पसंद करते हैं। मुख्य रूप से शिकार करते हुए ये हमेशा साथ रहते हैं और अपने शिकार पर तादाद के चलते भारी पड़ते हैं। अपने शत्रु को मारते हुए इनकी एक रणनीति होती है जिसके तहत कुछ कुत्ते शिकार के करीब रहते हैं जबकि कुछ पीछे रहकर अपने साथियों के थकने का इंतजार करते हैं। एक बार उनके थकने पर झुंड के बाकी सदस्य आगे आकर कार्यभार संभालते हैं और शिकार का काम तमाम कर देते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात है कि अपने शिकार और दुश्मन के प्रति असीम आक्रामकता और गुस्सेल रखने वाले ये शिकारी कभी भी शिकार को लेकर अपने झुंड में एग्रेशन नहीं दिखाते। ये जिस भी जीव का शिकार करते हैं वो झुंड में बांटकर खाना जानते हैं। इनके झुंड की एकता ही इनकी सबसे बड़ा हथियार है और जंगल के सभी जानवरों पर अक्सर भारी पड़ जाते हैं। चलिए इनकी एकता और बैटल ऑफ के कुछ जीते जागते नमूने आपको दिखाते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहाँ ये झुंड भैंस के झुंड पर हमला करने के लिए एक साथ खड़े हैं। ये जानते हैं कि अपने शिकार के झुंड के बीच में घुसकर हमला करने की रणनीति खतरनाक हो सकती है और इसीलिए इसे दो गुटों में बंटकर ही सही मौके का इंतजार करते हैं। जैसे जैसे भैंसों का झुंड उनकी तरफ आता है, ये चौकन्ने होते चले जाते हैं और अपना शिकार पाने की योजना बनाते हैं। रणनीति के हिसाब से एक वाइल्ड डॉग भैंसों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी तरफ भागता है, जिस पर हमला करने से भैंसों का पूरा झुंड भी अटैक करने के लिए आगे आता है और पीछे से वाइल्ड डॉग के बाकी साथी सबसे कमजोर कड़ी को पकड़कर उस पर अटैक करते हैं। आप देख सकते हैं कि भगदड़ में बीबी बफेलो पीछे छूट जाता है और जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। जहां आगे भैंसों को लगता है कि वो वाइल्ड डॉग पर भारी पड़ रहे हैं, वहीं पीछे इनकी योजना सही तरीके से काम कर रही होती है। बेबी बफेलो के हाथ लगते ही सभी कुत्ते बेरहमी से उसे काटना शुरू कर देते हैं। बच्चा दर्द में कराहते हुए अपने झुंड को पुकारता है। आगे निकल जाने पर भैंसों को अपनी गलती का एहसास होता है। दो साथी अपने बच्चे को बचाने के लिए वाइल्ड डॉग्स की ओर गुस्से से दौड़ी चली आती हैं, लेकिन झुंड का एक हिस्सा इन भैंसों को भगाने के लिए आगे निकल पड़ता है जबकि बाकी साथी बच्चे को हर तरफ से घेर कर काटना शुरू कर देते हैं। बच्चा खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगा रहता है, लेकिन वाइल्ड डॉग्स के टॉर्चर से भाग पाना मुश्किल है। इसी बीच एडल्ट बफेलो बच्चे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन झुंड के साथ ही उन्हें घेर लेते हैं। अब उनके साथ मौजूद दूसरे बेबी बफेलो की जान पर भी खतरा मंडराने लगता है। वाइल्ड डॉग्स का झुंड इस बछड़े को भी अपनी चपेट में ले लेता है और उसे काटना शुरू कर देता है। इनके पहने दांत और जबरदस्त बाइट फोर्स बफेलो की मोटी चमड़ी को भी फाड़ने लगती है। आप देख सकते हैं कि एडल्ट बफेलो कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन वाइल्ड डॉग बेबी की टांग को अपने मुंह में दबा कर रखता है। कुछ देर के लिए लगता है कि माँ बच्चे को बचा सकती है और अब वो सुरक्षित है, लेकिन ये शिकारी कुत्ते इतने आसानी से पीछे नहीं हटते। आप देख सकते हैं कि वो एक ही बार में फिर से बच्चे को अपनी गिरफ्त में लेते हैं और उसे काटना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि भैंस हमले को समझ पाए, उससे पहले ही जंगली कुत्ते बेबी बफेलो पर भारी पड़ जाते हैं। बेबी को बचाने की कोशिश में अब माँ की जान पर खतरा मंडराने लगता है। ऐसे में माँ के पास बच्चे को छोड़कर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। दोस्तों, खुद को बचाते हुए एडल्ट बफेलो वहां से भागती है। उसके बाद इसी तरह से वो दूसरे साथी को भी जबरदस्ती वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। एडल्ट बफेलो के मैदान छोड़कर भागते ही बेबी के बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। बच्चा अब भी इन शिकारियों की पकड़ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा का पूरा झुंड इसके खिलाफ खड़ा है। एक अकेले कुत्ते से फिर भी बच्चा लड़ सकता है, लेकिन एक पूरे झुंड को हरा पाना इसके बस की बात नहीं है। मानना पड़ेगा कि जंगली कुत्ते का टारगेट केवल एक बेबी था, लेकिन उसे इस कोशिश में दो शिकार मिल जाते हैं। आज इनके लिए एक अच्छा दिन है जब पूरे झुंड को भर पेट भोजन नसीब होने वाला है।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे घमासान की ओर। अगर आपको खरगोश प्यारे लगते हैं और उनका दर्द आपसे देखा नहीं जाता तो ये क्लिप आपका सीना चीर के रख सकती है, क्योंकि इस क्लिप में इन बेरहम शिकारियों ने क्रूरता की सभी हदें पार करी हैं। वीडियो की शुरुआत में सभी जंगली कुत्ते झाड़ियों में चिल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनमें से एक कुत्ता पूरी रफ्तार के साथ गड्ढा खोदता दिखाई पड़ता है। देखने पर पहले तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है, लेकिन कुछ देर बाद समझ आता है कि बिल से ये खरगोश को निकालने की पूरी कोशिश में लगा है, और कुछ देर की मेहनत के बाद इन्हें अपना शिकार मिल भी जाता है। शिकार के हाथ आते ही तीन कुत्ते लपक कर उसे अपने मुंह में धर लेते हैं और तीनों मिलकर उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं, और इसी खींचातानी में वो खरगोश को बीच से ही फाड़ डालते हैं। ये बेहद दुखद है कि जिंदा रहते ही ये उसे इतनी क्रूरता से मार देते हैं। खरगोश के रोने की आवाज़ आखिरी वक्त तक सुनाई देती है। एक बार बीच से फट जाने के बाद भी ये बेरहमी से चुन चुन कर उसके मांस को खाने लगते हैं। स्लो मोशन पर देखने में समझ में आता है कि इन जीवों की बाइट फोर्स बेहद ताकतवर है, जो कि एक जीव को बीच से ही फाड़ सकती है। पर यह सीन मुझे ब्लर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस सीन है। दोस्तों कभी कभी जंगली कुत्तों को देखकर ऐसा लगता है कि नाम केवल वाइल्ड कैट्स का बदनाम है, जबकि ये शिकारी भी क्रूरता में किसी से कम नहीं है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां कुत्तों की पूरी पलटन इतने बड़े आकार के ओरिक्स को मारने पर तुली है। हाइना की तरह ये भी अपने शिकार पर पीछे से वार करते हैं ताकि उनके सींग का हमला इन्हें घायल न कर पाए, और अपने नुकीले दांतों से ओरिक्स के पिछले हिस्से को फाड़कर खाना शुरू कर देते हैं। एक बार हमला करने के बाद उनके साथी भी इस दावत में शामिल हो जाते हैं। खुद को बचाने के लिए ओरिक्स हाथ पांव मारना शुरू कर देता है। कई बार तो वो पीछे मुड़ के भागने की कोशिश भी करता है, पर इतने बड़े झुंड से अकेले निपटने की कोशिश करना कोई आसान बात नहीं है। ओरिक्स का पिछला हिस्सा खून से लथपथ हो जाता है। धीरे धीरे पूरा झुंड इकट्ठा होकर उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। कुछ साथी तो इस जीव के सर को ही काटना शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी साथी पिछले हिस्से को काटना जारी रखते हैं। वो इसके शरीर के अतड़ियों को निकाल कर अपने दावत उड़ाना शुरू कर देते हैं। ओरिक्स को हम कराहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अब इसके बचने का कोई चांस नहीं है। अगर अब जंगली कुत्ते ने इसे छोड़ भी दिया तब भी जंगल के बाकी शिकारी उसे अपना भोजन बना लेंगे। हर हाल में इसकी मौत तो पक्की ही है। काफी देर से चल रहे इस टॉर्चर में ओरिक्स अभी भी जिंदा है, हालांकि उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह से कुत्तों की भेंट चढ़ चुका है। इनके खून से लथपथ मुंह बताते हैं कि अपने शिकार को तड़पा कर खाने में इन्हें कितना मजा आता है। ऐसी ही एक और दर्दनाक क्लिप आपको दिखाते हैं, जहां वाइल्ड डॉग्स बेरहमी से वाटर बग का शिकार करते हैं। इस वीडियो में जंगली कुत्तों का झुंड शिकार की तलाश में घूमते हुए दूर दराज के इलाकों में वाटर बग और उसके बच्चे को पाते हैं। पानी की तलाश में तालाब के किनारे आए इन दोनों जीवों पर वाइल्ड डॉग टूट पड़ते हैं और सबसे पहले बेबी वाटर बग को अपने टारगेट के रूप में चुनते हैं। तेज भागते हुए बेबी इन शिकारियों से बचने की कोशिश की जद्दोजहद में पानी के अंदर चली जाती है। वाइल्ड डॉग्स भी बेबी के पानी से बाहर आने का इंतजार करते हैं। वहीं पानी के अंदर हिप्पोस बेबी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, क्योंकि इन जीवों को अपने इलाके में दूसरे जीवों का आना बिल्कुल भी नहीं सुहाता। हिप्पोस बेबी पर हमला करके उसे बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। वाटर बग की माँ पानी के किनारे अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। वो जानती है कि अगर ये बाहर आया तो जंगली कुत्ते उसे अपना शिकार बना सकते हैं। बस इसी डर से माँ इन शिकारियों को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें बेकार हैं। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहद ही मुश्किल की घड़ी है। एक तरफ हिप्पो इनको पानी में घुसने नहीं देना चाहते, वहीं जंगली कुत्ते इन्हें जमीन पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। लाख कोशिशों के बाद माँ को पानी से बाहर आना ही पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ती, और इसी हिम्मत के चलते ये शिकारी वाटर बग का शिकार नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थे वाइल्ड डॉग से कुछ ऐसे हैरतअंगेज हमले जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जंगल में केवल शेर ही बेरहम शिकारी नहीं है, बल्कि झुंड में रहने वाले जंगली कुत्ते भी उतने ही खतरनाक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नज़र में जंगल का सबसे खूंखार जानवर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।